अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी। हम लोग अभी ग्राम पंचायत मिर्जावाड़ा में, यहाँ हम बात करते हैं सरपंच के विकास कार्यो की। उसके अंदर हम मिलते हैं एक लाभार्थी से। ये जो आप मेरे पीछे मकान देख रहे हैं काफी जिनसीन अवस्था में है, एक मकान गिर भी चुका है, तो हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सतनाम। ये सतनाम जी, ये मकान आपका था? हाँ। तो कितने मकान थे आपके पास और क्या हुआ? दो, एक मकान गिरा हुआ था, बाकी नया बनाया हुआ। वो बरसात के कारण गिर गया। हाँ। तो उसके बाद ग्राम पंचायत ने आपकी क्या मदद की? ग्राम पंचायत ने ये मदद करी क्योंकि लोन आया हुआ था, मकान डाल दिया। जो मैंने आपके जिनसे व्यवस्था में जो मकान दिखाया था वो टूटने के बाद यहाँ की ग्राम पंचायत ने इनको एक नया मकान दिया है। हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना मकान हो। माता जी, अगर आपको ये सरकार मकान बना के नहीं देती तो क्या आप अपने पैसों से मकान बना लेते? आप अपना मकान, जो सरकार ने अगर आपको पैसा नहीं देती तो क्या आप अपना मकान गिरने के बाद अपने पैसों से अपना मकान बना लेते? नहीं बनता। तो ये आपको ग्राम पंचायत के सरपंच से बनवा के दिया? हाँ। तो इसके अलावा सरपंच ने आपकी क्या क्या मदद की, ग्राम पंचायत से क्या लाभ मिले सरपंच के कार्यकाल में? जैसे 2 रुपए किलो गेहूँ मिलता है आपको? हाँ। और पेंशन भी मिल रही है? पेंशन भी मिल रही है। नरेगा में काम भी मिल रहा है? सारा मिल रहा है नरेगा में। तो ये काम आपको किसने करवा के दिया? सरपंच ने। यहाँ का जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने करवा के दिया। क्या नाम क्या उनका? लालचंद। तो अब आप देख रहे हैं कि हर आदमी का एक सपना होता है, यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच ने इन्हें पक्का मकान रहने के लिए दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूँ खाने के लिए दे दिया, नरेगा में रोजगार दे दिया और उसे पकाने के लिए वर्धा पेंशन भी दे दी। तो इस तरह तो आपकी जो सरपंच का जो कार्यकाल है, इस काम से संतुष्ट है? हाँ जी। आप चाहेंगे कि सरपंच दोबारा फिर से आए? हाँ जी। ताकि ये जो आपके विकास कार्य हो रहे हैं ये चलते रहे। बढ़िया, धन्यवाद। अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है। बात करते हैं ग्राम पंचायत मिर्जावाड़े में एक अन्य लाभार्थी से, उनसे पूछते हैं। आपका नाम जी? सुमन। सुमन जी, ये जो मकान आपको बना के दिए किसने बना के दिया? ग्राम पंचायत ने बनवा के दिया जी, ग्राम पंचायत ने। ग्राम पंचायत। और आपके सरपंच कौन थे? सरपंच लालचंद। इससे पहले आपका मकान कैसा था? कच्चा था जी। तो क्या सरकार और ये जो सरपंच है गांव के लालचंद जी, अगर ये आपको ये मकान आवास मंजूर नहीं करवा के देते तो क्या आप अपना मकान अपने पैसों से बना लेते? हम तो गरीब आदमी, हमसे तो नहीं बनता जी। नहीं बनता आपसे? तो क्या आप क्या मानते हैं, ये जो सरपंच का कार्य कर रहा है 5 साल का, इसमें विकास कार्य हुए? हां जी। और आप आम जन को इससे फायदा हुआ है? हां जी, बहुत फायदा हुआ। तो क्या आप चाहेंगे कि ये सरपंच फिर से आए? यही चाहते हैं। तो गांव में विकास करे हुए उनसे भी आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद। ग्राम पंचायत मिर्जावाड़े में अभी एक अन्य लाभार्थी से बात। माता जी, थोड़ा नाम? मिलकीत कौर जी। ये जो मेरे पीछे एक मकान देख रहे हो जो काफी जीर्ण अवस्था में है, ये मकान आपका माता जी? हाँ जी, आपका कच्चा मकान है, मजूरी कर दे टाइम पास कर दे, मकान कर देना पाइये। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, तो यहाँ के सरपंच ने कोई आपका मकान बनाने को मदद की? हाँ जी, मदद की। हाँ।
ये जो आप मेरे पीछे एक अच्छा सुंदर बना हुआ मकान देख रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपको एक जीर्ण शीर्ण मकान दिखाया था, ये इन्हीं का था, और यहाँ के सरपंच लालचंद जी ने इनको ये मकान बनवा के दिया। तो माता जी, इसके लिए कोई आपसे पैसा लिया उन्होंने? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया। माता जी, हर बंदे का एक सपना होता है और एक घर हुए अपना। हाँ जी, अगर सरपंच थोड़ी मदद नहीं करता तो आप घर बना लेंगे? नहीं नहीं बना सकते जी, नहीं बना सकते। क्या कारण था, क्यों नहीं बना सकते? दिहाड़ी करते है, बठल चकते है, ते शराबी बंदा है, ते बना बना कर नाल देंदे पांच लड़कियां, एक लड़का लड़का अड्डा है। ते अलावा तुम 2 रुपए किलो कणक भी मिलती है? हाँ जी मिलती है जी। नरेगा से काम भी मिलता है? हाँ मिलता है जी। पेंशन भी मिलती है? हाँ पेंशन मिलती है जी। माता जी, हर बंदे की जरूरत होती है, रहने मकान मिल गया, खाने 2 रुपए किलो कणक मिल गया, मिलती है जी, पेंशन मिल गई, नरेगा से काम मिल गई। आप सरपंच के कार्यकाल से खुश है? हाँ खुश है जमा जमा। आप चाहेंगे भी सरपंच दोबारा? हाँ दोबारे आ सकता, बढ़िया समा सानू तो बहुत मदद देंदा। धन्यवाद। बात करते हैं अभी मिर्जे वाले ग्राम में एक अन्य लाभार्थी से। आपका नाम जी? चंद्रकला। चंद्रकला जी, पहले आपका मकान कैसा था? कच्चा। तो उसके बाद यहाँ के सरपंच ने आपको मकान बना के दिया? ये जो मकान पीछे आप बना रहे आपके हम देख रहे हैं, इस मकान के लिए कोई पैसा लिया उन्होंने आपसे? नहीं। तो अगर ये सरपंच आपको ये मकान अगर नहीं बनवाते तो क्या आप अपने पैसों से ये मकान बना लेते? नहीं। क्या कारण क्या था? कारण गरीबी, रोजगारी। गरीबी उसके कारण आप नहीं बना पाते? रोजगारी को दे। तो क्या आपको नरेगा में काम भी मिलता है? नरेगा काम मिलता है। 2 रुपए किलो गेहूं मिलती है? और घर में किसी को पेंशन मिलती है? हाँ मम्मी को मिलती है। मम्मी को पेंशन मिलती है। तो जैसे कि सरपंच ने आपको रहने के लिए मकान दे दिया, खाने के लिए 2 रुपए किलो गेहूँ, और रोजगार के लिए नरेगा और वृद्धा पेंशन भी आपको दे दी, तो क्या आप सरपंच के काम से संतुष्ट है? हाँ जी। आप चाहेंगे कि ये सरपंच दोबारा फिर से आए? जरूर। आप चाहेंगे ये जो विकास कार्य चल रहे हैं ये चलते रहे और ये सरपंच दोबारा आए? धन्यवाद। ग्राम पंचायत मिर्जावाला में यहाँ करते लाभार्थी से बात। आपका नाम जी? ममता जी, ये जो मकान है आपको ग्राम पंचायत ने जो बना के दिया, इसके लिए कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं। इससे पहले मकान कैसा था आपका? अच्छा। हर आदमी का एक सपना होता है मेरा घर हो, आपका भी एक सपना था। क्या ग्राम ये जो सरपंच है ये आपको ये मकान बनवा के नहीं देते, तो क्या आप ये मकान अपने पैसों से बना लेते? क्या कारण क्या था उसका? गहरी मजदूरी। उसके अलावा आपको ग्राम पंचायत में ये 2 रुपए किलो गेहूँ मिलती है और नरेगा में काम और घर में किसी को पेंशन मिलती है। तो जैसे कि आपको रहने के लिए मकान दे दिया, खाने के लिए 2 रुपए किलो गेहूँ दे दिया, नरेगा में रोजगार दे दिया और घर के कुछ खर्च होंगे और पेंशन भी दे दिया, तो क्या आप इस सरपंच के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? आप चाहेंगे कि सरपंच दोबारा आए ताकि विकास कार्य फिर से हो? अंबर हेठा धरती बसदी, एथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
लोग अभी ग्राम पंचायत मिर्जावाड़ा में, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक उप तहसील है, हम इसके पास्ट की बात करते हैं कि पीछे यहाँ क्या था, इससे पहले यहाँ क्या था? पहले यहाँ हड्डा रोड़ी सी हड्डा रोड़ी। हाँ जी, तो मतलब बहुत ज़्यादा इतने के लोगों को परेशानी होती थी। परेशानी क्या परेशानी होती थी? परेशानी स्मेल भी होना, हड्डा रोड़ी स्मेल ही होगी, मतलब कि पशु जो मर जाते जो उन्होंने कुत्ते कत्ते खाते हड्डियाँ इधर उधर बुरे हाल हैं, बहुत दिक्कत आती। कितने साल से दी है डरोड़ियाँ? डरोड़ी मेरे साल 20 साल। हाँ बस आराम से। तो ये तहसील बनने के बाद क्या सुधार क्या हुआ आपका? बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, इतना मार्केट बन गई है, मतलब एरिया बहुत बढ़िया हो गया, जनता को बहुत सुख है इस चीज़ का। तो ये जो तहसील है इसका निर्माण कार्य किसके कौन से सरपंच के कार्यकाल में हुआ है? लाल चंद। तो क्या लाल चंद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? ये लोग जो बता रहे हैं कि एक हड्डा रोड़ी हुआ करती थी जिसके कारण यहाँ स्मेल के कारण लोग बहुत परेशान थे, लेकिन इस सरपंच के कार्यकाल में जब ये तहसील बनी है तो यहाँ के लोगों को एक नया जीवन मिला है, कह सकता हूँ एक नया जीवन मिला है, नया जीवन मिला, इससे काफी समस्या आपकी दूर हुई है। हाँ बहुत। और प्रमुख क्या समस्या थी आप लोगों की? यहाँ आते नहीं थे लोग इस रोड पे, ये बांस आती थी यहाँ, बदबू बहुत ज्यादा आती थी। और उसके अलावा और कोई कार्य हुआ जैसे रोड वगैरह यहाँ बनी? हाँ रोड बनी है, ये देख दो बढ़िया रोड बन गई है। इससे क्या फायदा हुआ आप लोगों को? फायदा यहाँ से बहुत गुजरते हैं काम वाले, पहले यहाँ पे यहाँ से कोई आता जाता नहीं था, कोई आता जाता नहीं था, पहले वहाँ की वो वाली रोड जो उधर गलियों के अंदर से चल रहा था। तो आप इनकी सरपंच से कार्य करते हैं? बिल्कुल जी, बहुत मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो खाना खाते थे ना, वो जो अगरबत्ती होती है ना वो उसकी स्मेल लेके फिर वो खाना खाते थे। लोगों का कहना है कि यहाँ खाना खाने से पहले अगरबत्ती जलानी पड़ती थी, लेकिन लालचंद के कारण इन लोगों को एक नया जीवन मिला, एक नया रास्ता मिला, एक नई रोड बनी है। तो क्या आप चाहिए कि सरपंच दोबारा फिर से आए? बिल्कुल जी, और ये विकास कार्य होते रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। करे हवाएं रंग बिरंगी, कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं, पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में
कहीं बंसी कोई बजाए ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चूरन की है बुढ़िया भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है तेरे देश को मैंने देखा तेरे देश को मैंने जाना तेरे देश को ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है मेरा तेरा
ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा जैसा देश है मेरा अभी ग्राम पंचायत भेजने वाला के एक चक साथ तक बढ़ा में हम यहाँ करते हैं पूर्व डायरेक्टर रंजीत मोहर से बात। सर ये जो पाँच साल में ग्राम पंचायत जो सरपंच रहे लाल संदेश में आपके गांव में विकास करे हुए हाँ हुए मुख्य रूप से क्या क्या विकास करे हुए? एक तो वाटरोक्स का निर्माण करवाया जैसे वाटरोक्स था टैंकी नहीं थी पूर्व वाली और गांव में सड़कों बनाई है सीसी रोडें और गांव के जो चौक है मेन वो सारा ही मतलब चौके लगा के पक्का किए जा रहे काम चल रहा है काम चल रहा है। तो इससे पहले रोडों की यहाँ क्या हालत थी? खड़गंजे लगे हुए थे कुछ नहीं थी। तो क्या ये जो सरपंच का जो कार्यकाल है इसमें जो विकास करे हुए इनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं भी इस सरपंच ने जो विकास कार्य किए अच्छे कार्य किए इसने यहाँ तो विकास बढ़िया किए हमारे गाँव में। धन्यवाद।